दिस एडवोकेट वेब चितलांगे अगेन एंड ये वीडियो हम बना रहे हैं उन बच्चों के लिए जो लोग सिम्बायसिस लॉ स्कूल पुणे में 3 इयर्स एलएलबी का एग्जाम दिए हैं और ऐसा एस्पायर कर रहे हैं कि उनको वहां पे एडमिशन मिल जाएगा। गाइस आपको पता है कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें AIAT आप लोग ऑलरेडी अपियर कर चुके हो ऑन 11th of May एंड आई एम श्योर कि जिन लोगों का भी AIAT अच्छा गया था आप लोगों को अभी तक एक कॉल लेटर आ गया होगा फॉर योर पर्सनल इंटरेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है नाउ AIAT में आफ्टर योर रिटन एग्जाम आपको एक पर्सनल इंटरव्यू में बैठना पड़ता है जिस इंटरव्यू में आपका जो मार्क्स होगा उसको आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स के साथ मिला के फिर आपका मेरिट लिस्ट निकलता है। तो जितना इंपॉर्टेंट आपका रिटन एग्जाम था उतना ही इंपॉर्टेंट आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है एंड हियर आई एम टू गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, नाउ गाइस अगर हम लोग पर्सनल इंटरव्यू की बात करें ना तो उससे पहले आप देख सकते हो यहां पे दिस इज योर एडमिशन का पूरा वो क्या बोलते हैं एडमिशन का पेज फॉर AIAT। यहां पे एडमिशन प्रोसेस में आप देखोगे कि आपके AIAT में अपार्ट फ्रॉम पर्सनल इंटरव्यू देयर इज वन मोर थिंग, तो पहले अपने उसके बारे में बात करने वाले हैं एंड उसके बाद वी आर गोना टॉक अबाउट द पर्सनल इंटरव्यू। अब यहां पे देखो आप जब पर्सनल इंटरव्यू की अपने बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू 30 मार्क्स का होने वाला है जिसमें आपके पर्सनल आपसे पर्सनली इंटरेक्ट करके जाना जाएगा कि एज अ पर्सन हु यू आर। बट यहीं पर आप देखोगे नोट अगर आप लास्ट पैराग्राफ पढ़ो तो यहां पर लिखा गया है कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नॉट मोर देन 250 वर्ड्स एंड अ स्कैन कॉपी ऑफ द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके बारे में। तो बेसिकली जब आप रिटन इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू के लिए बैठने वाले हो उस समय उसके पहले आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आपको अपलोड करना है अपने पोर्टल पे खुद से लिख के एंड दूसरा आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना है फ्रॉम हुएवर जहां से भी आपने अपना बीकॉम किया था या जहां से भी आपने अपना ग्रेजुएशन किया था उस कॉलेज के किसी भी प्रोफेसर या किसी भी हेड से जहां पे वो रेकमेंड करेंगे आपका एडमिशन इनटू द कॉलेज। ठीक है, ना पहले अपने डिस्कस करते हैं ये 2 डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए एंड देन वी आर गोना डिस्कस अबाउट आपका पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, नाउ सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कुछ नहीं होता है, ये बस एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको लेना है फ्रॉम योर प्रीवियस प्रोफेसर्स या आपके पुराने कॉलेज के किसी भी प्रोफेसर से जहां पे दे आर गोना रिकमेंड टू द कॉलेज टू टेक गिव एडमिशन टू यू। अब उस लेटर में जनरली आपके मोस्टली प्रोफेसर के पास एक फॉर्मेट हो गई जो वो हर स्टूडेंट के लिए लिखते देते हैं, बट अगर उनके पास फॉर्मेट नहीं है तो आप गूगल से कोई भी फॉर्मेट निकाल के अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बट कुछ चीज आपको ध्यान रखनी होगी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में, पहली बात तो आप जिनसे भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले रहे हो उनका इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि वो कौन है, वो क्या काम करते हैं, वो कहां के प्रोफेसर है। नेक्स्ट फिर आपको ये बताना होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में कि आपके जो प्रोफेसर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो आपको कैसे जानते हैं, तो वो बताएंगे कि आई नो दिस स्टूडेंट्स फ्रॉम दस दस, ये मेरा ऐसा स्टूडेंट था वगैरह वगैरह एंड उसके बाद वो आपके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि स्टूडेंट बहुत अच्छा है, ये स्टूडेंट बहुत हार्ड वर्किंग है, इस स्टूडेंट को हम कंप्लीटली रिकमेंड कर रहे हैं आपके एग्जाम आपके ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन के लिए। तो जब भी आप जाओगे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेने के लिए फ्रॉम एनी ऑफ योर प्रोफेसर, जब वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे देंगे तो मेक श्योर कि उसमें ये 3 चीजें डेफिनेटली हो, आपके प्रोफेसर का इंट्रोडक्शन, आपके प्रोफेसर और आपके बीच में क्या संबंध है, वो कैसे आपको जानते हैं उसके बारे में डिटेल्स एंड आपके बारे में आपके प्रोफेसर का जो भी रिकमेंडेशन है वो। ठीक है, ऑफ कोर्स ये आपको नहीं लिखना है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके प्रोफेसर ही लिख के देंगे। ऑल आई एम सेइंग इज जब आपको ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिले तो ये 3 चीजें अलॉन्ग विद द साइन एंड स्टैंप ऑफ योर प्रोफेसर चेक कर लेना, यही एक वैलिड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होगा। आपको यहां पे दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना है जिसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे हम अपने कैंडिडेट से जानना चाह रहे हैं कि व्हाई डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ SLS पुणे। तो अगर हम आपको बोल रहे हैं ड्राफ्ट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या अपलोड अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, व्हाट SLS पुणे इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इज आप क्यों SLS पुणे में एडमिशन लेना चाहते हो। ना यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको वर्ड्स बहुत कम दिए गए 250 वर्ड्स में, तो आपको मैक्सिमम 2 से 3 पॉइंट ही लिखने को मिलेगा। ये 2 से 3 पॉइंट में यू विल हैव टू राइट व्हाई SLS पुणे फॉर यू एंड व्हाई यू फॉर SLS पुणे, मतलब SLS पुणे में आपको एडमिशन क्यों चाहिए और SLS पुणे को आपको एडमिशन क्यों देना चाहिए। Now, इसमें आप लिख सकते हो समथिंग लाइक SLS इज अ ब्रांड, सिम्बायसिस लॉ स्कूल एक ब्रांड है एंड आई एम श्योर कि सिम्बायसिस लॉ स्कूल में पढ़ने से आई विल हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन द करियर, या आप SLS के बारे में अगर कोई स्पेसिफिक चीज है जो आप लिखना चाहते हो, अगर आप बोलना चाहते हो आपके बारे में कोई स्पेसिफिक चीज है, आपने लॉ क्यों चूज किया एंड लॉ सिम्बायसिस से करने का क्यों चूज किया। सो बेसिकली जब अपने SOPs लिखते हैं ना तो बहुत सारे पॉइंट्स वहां पे लिखे जाते हैं, बट बिकॉज आपका वर्ड लिमिट है वो बहुत कम है 250 वर्ड्स का ही है, तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज व्हाई डू यू वांट टू बी
a part of SLS Pune, आप वहां पे mention करोगे, तो 250 words के अंदर you have to write the purpose of you, या statement of purpose, you why you want to be a part of SLS Pune. यहां पे आप एक line में बड़ाई कर सकते हो SLS Pune का, कि SLS Pune is a you know premium institution which has a very great alumni base and a very great great you know teaching faculty का group, and if I'll be a part of SLS Pune, then it will give a good head start or a jump to my legal career. It will give me exposure to different laws and a very practical insight into how legal field works. ये सारी कुछ बातें जो आप आराम से लिख सकते हो अपने statement of purpose में. I am not going to tell you exactly what to write, और ना ही हम लोग किसी भी तरह का आपको format देने वाले हैं statement of purpose का, because अगर हम लोगों ने वो दे दिया तो आपकी originality खत्म हो जाएगी, and I know कि आप लोग जितने भी बच्चे लोग हो सब लोग same SOP ले जाके दे दोगे. इसीलिए we do not give any format. I am telling you किस objective से आपको ये document लिखना है. 250 word ही है, I am sure आप लोग ये लिख पाओगे. तो make sure कि जिससे पहले कि जितने लोगों को भी PI का call letter आया है, इससे पहले कि अपना personal interview हो, आपके पास ये दो documents ready होने चाहिए. ठीक है, अब ये दो documents आपको जमा कहां करना है, तो ये दोनों documents आपको upload कर देना है on the portal, जो आपका AIAT का portal है, वहां पे आपको proper जगह मिलेगा upload करने के लिए. Make sure कि इन दो documents को scan करके आप सही तरीके से वहां पे upload कर दो. ठीक है, इसके बाद आता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, जो कि 19th एंड 20th में, दैट इज कल एंड परसों होने वाला है. आई एम श्योर जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं आपको ऑलरेडी कॉल लेटर्स आ गया होगा, और आप सोच रहे होगे कि पर्सनल इंटरव्यू में क्या करना है. नाउ गाइस प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सनल इंटरव्यू इज गोना बी ऑनलाइन. ठीक है, आपको किसी भी सिंबायसिस, आपको मतलब सिंबायसिस लॉ स्कूल पुणे पहुंचना नहीं है, ये ऑनलाइन होने वाला है. तो ऑनलाइन होने में बहुत लिमिटेड तरीके से आपको आपका इंटरव्यूअर जज कर सकता है. ठीक है, अब इसके लिए कुछ चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. इज नंबर वन, मेक श्योर कि आपको जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, इट हैज अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, एंड उसका कैमरा क्लीन होना चाहिए. वाय? बिकॉज अगर इंटरव्यूअर आपको देख रहा है तो वो केवल कैमरा के थ्रू देख पा रहा है ना. अब आपका कैमरा अगर बहुत हेजी होगा, अगर उसमें धूल मिट्टी लगा हुआ रहेगा, तो इंटरव्यूअर आपको नहीं देख पाएगा प्रॉपरली, एंड देन दे विल नॉट बी एबल टू जज द पर्सन दैट यू आर. तो मेक श्योर कि आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हो फॉर दिस इंटरव्यू, उसमें स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो. बिकॉज अगर इंटरनेट कनेक्शन सीधा नहीं हो पाएगा, आपका इंटरव्यू प्रॉपर्ली स्मूथली नहीं हो पाएगा, एंड देन बेमतलब का यू विल मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी. तो गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड गुड क्या बोलते हैं कैमरा होना चाहिए. प्लस मेक श्योर कि जब इंटरव्यू देने बैठ रहे हो तो अकेले खाली रूम में बैठो. बिकॉज अगर आप अपने रूम में चार लोग को और बैठाओगे तो नंबर वन वहां पे आवाज होने का चांसेस हो, जिसकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, एंड नंबर टू यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन व्हाट योर इंटरव्यूअर इज सेइंग. ठीक है, तो ऑनलाइन इंटरव्यू है, इसका ये बहुत बड़ा नुकसान है. तो इसको अपने को केटर करने के लिए तीन चीजों का ध्यान रखना है. नंबर वन, जो भी आप क्या बोलते हैं डिवाइस यूज करोगे, उसका कैमरा अच्छा होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, एंड मेक श्योर दैट यू आर इन अ वेरी क्वाइट प्लेस अलोन व्हेन यू आर सिटिंग फॉर दिस इंटरव्यू. ठीक है, अभी हम लोगों ने सिचुएशनल एनालिसिस कर लिया, अब अपने बात करते हैं एज एन इंडिविजुअल आपको क्या तैयारी करनी है. सी, कई बार अपने क्या सोचते हैं, ऑनलाइन है, वेबकैम के थ्रू देखना है तो फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पहन के बैठ जाएंगे. ऐसा नहीं है, बहुत फर्क पड़ता है. तो मेक श्योर कि आप जब भी इंटरव्यू में बैठो, एक प्रॉपर कपड़ा पहन के बैठो, सो दैट सामने वाले को जितना भी दिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चे ऐसे होंगे जो ऊपर शर्ट पहन लेंगे और नीचे बॉक्सेस पहन लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना आपको दिख रहा है कैमरा में वो प्रॉपर होना चाहिए. मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग अ फॉर्मल अटायर. ठीक है, प्रॉपर शर्ट होना चाहिए, लड़कियों के लिए भी प्रॉपर फॉर्मल कपड़ा होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली लिमिटेड इंटरेक्शन यू गोना हैव विद योर इंटरव्यूअर. तो वहां पे कहीं पे भी कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि आप बहुत कैजुअल यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस इंटरव्यू, मेक श्योर कि आप फॉर्मल अटायर पहनो. नंबर टू, अपना हुलिया, अपना शकल, अपना बाल प्लीज ठीक से बना के रखना. लड़के, प्लीज गेट योर बियर्ड ट्रिम्ड, प्लीज गेट अ हेयर कट इफ यू हैव नॉट गॉटन इट ऑलरेडी. गर्ल्स, नो फैंसी मेकअप, नो फैंसी इयररिंग्स, नो फैंसी हेयर स्टाइल, मेक अ वेरी सिंपल पोनी, बिकॉज हियर यू आर फॉर अ प्रोफेशनल बिजनेस. एंड अगर आप इंटरव्यू में दिखाते हो कि ओह देखो आई एम तो मस्त एकदम हीरोइन, दैट इज नॉट गोना वर्क इन योर फेवर. आप अगर फॉर्मल कपड़ा पहन रहे हो तो आपका हेयर डू फॉर्मल होना चाहिए, मेकअप मिनिमल, जो कि ऐसे बहुत ज्यादा झिंटाक ना लगे वैसा होना चाहिए, एंड वेरी डिसेंट एक्सेसरी आपको लेना पड़ेगा. मेक श्योर कि आप एक प्रेजेंटेबल तरीके से जाओ, बहुत ही हेवाय तरीके से कुछ भी करके वहां इंटरव्यू में मत पहुंच जाना. एक बार आपको समझ में आ गया क्या डिवाइस यूज करना है एंड हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट योरसेल्फ, फिर अपने बात करते हैं इंटरव्यू में क्या करना होगा. जब भी इंटरव्यू में जाओगे, मेक श्योर दैट यू हैव अ कॉपी ऑफ योर सीवी. अगर इन्होंने पहले आपको कोई ईमेल आईडी दे दिया या व्हाट्सएप का नंबर दे दिया, आप अपना सीवी उनको तुरंत के तुरंत स्कैन करके रखना, तुरंत उनको मेल कर देना, सो दैट दे आर एबल टू सी कि आप क्या कर रहे हो. बिकॉज ऑनलाइन आप सीवी शायद जमा ना कर पाओ, हो सकता है कि सामने वाले जो लोग बैठे वो आपका सीवी ना देख पाए, तो अब इन दैट केस यू विल हैव टू इंश्योर कि आप किसी ना किसी तरीके से उनको अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता दो. आज आप जब इंटरव्यू में बैठे हो और दूसरे लोग जब इंटरव्यू में बैठे हो,
यू हैव टू मेक श्योर कि आप सामने वाले बंदे को, इंटरव्यूअर को, वो सारी बातें बता दो जिस जो आपको लगता है आपको बाकी लोगों से अलग स्टैंड करेगा। सी, जब अपने सीवी देखते हैं या सामने सामने इंटरव्यू होता है ना, तो आप सीवी, सर्टिफिकेट, ये सब देख के ये इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचा सकते हो। बट जब ऑनलाइन चीजें हो रही है, शायद आपको अपना सीवी या सर्टिफिकेट दिखाने का मौका ना मिले। तो वहां पे क्या इसका मतलब ये है कि आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात ही नहीं करोगे? एब्सोल्युटली नॉट। यू विल हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट। जब आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में अपने इंटरव्यू से बात करोगे, मेक श्योर कि आप बात इस तरीके से कर रहे हो कि यू आर नॉट साउंडिंग वेरी बोस्टिंग, यू आर नॉट साउंडिंग ऐसा कि आप अपने बारे में बहुत बड़ाई कर रहे हो, बट आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बात करते करते में बता देना कि देखो मैंने ये किया है, अच्छा हम जब ये कर रहे थे ना तो उस समय मेरे को ये एक्सपीरियंस मिला था। सो फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई डू यू वांट टू कम टू एसएलएस पुणे या व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर लॉ एज अ करियर, ठीक है, अब आपको इन्हें बताना है कि आपने MUNs में पार्टिसिपेट किया है या आप डिबेट में बहुत पार्टिसिपेट करते हो, आपने डिबेट में बहुत अचीवमेंट्स किया है, तो हम अगर आपके जगह होंगे तो हम क्या बोलेंगे? सो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम इन माय कॉलेज एज वेल एज इन माय स्कूलिंग डेज आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ डिबेट्स एंड आई हैव वन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स आल्सो इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स व्हिच मेड मी रियलाइज दैट लॉ इज अ करियर व्हिच इज सूटेड फॉर मी। When I went to college, I started participating in a lot of MUNs also. For example, I went to the Pune MUN or the Mumbai MUN, where I got an opportunity to interact with people from different colleges. Then I realized that law is my calling. And when it comes to SLS Pune, I went for a dance competition to this XYZ college, wherein I realized the importance of a brand name. And I know that SLS has a very, very big brand name attached to it. And I believe that this will give a head start to me in my career. Now see how smartly I have put up facts like मैंने debate में part किया, मैंने बहुत वहाँ बहुत awards जीते, मैंने MUN में participate किया, मैंने वहाँ बहुत awards जीते, and मैं dance भी करता हूँ, and मैंने dance competitions में भी participate किया है। तो यहाँ पे मैंने directly अपना trumpet blow नहीं किया, हम शुरू नहीं हो गए ये बोलते हुए कि मैंने ये भी किया है, वो भी किया है, ये भी किया है, वो भी किया है, but आप ही के क्वेश्चन को आंसर करने में मैंने आपको बता दिया कि हम ये भी किए हुए, वो भी किए हुए, ये भी किए हुए। बिकॉज इट इज एन ऑनलाइन इंटरव्यू, यू विल हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट गाइस, एंड आपको ये सारी चीजें बाहर लाके देनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो सामने वाले बंदे ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, यू डू नॉट नो एन आंसर अबाउट इट, ठीक है, यू कैन यूज टू थिंग्स। वन, या तो आप क्लियरली उनको बोल दो कि आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस एट द मोमेंट, बट आई विल डेफिनेटली चेक अपॉन इट लेटर, या आई डोंट नो बट आई विल डेफिनेटली रीड अपॉन इट लेटर। कभी ये बोलकर मत छोड़ना आई डोंट नो, हमेशा ही बोलना आई डोंट नो बट आई विल डेफिनेटली रीड अपॉन इट राइट आफ्टर दिस इंटरव्यू, ठीक है, दैट शोज योर इंटरेस्ट इन द टॉपिक, दैट शोज कि आप में एक लालसा है चीजों को जानने की, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो आपको पता है लेकिन अभी तुरंत रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, यू कैन टेल देम कैन आई गेट अ मिनट, कैन आई गेट वन मिनट और फ्यू, यू नो कैन आई गेट सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, देन टेक अ डीप ब्रेथ, याद करने की कोशिश करो, अगर याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आंसर दे देना, याद नहीं आया तो टेल देम आई एम वेरी सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट एट द मोमेंट, खत्म। प्लीज प्लीज प्लीज, झूठी कहानियां, उल्टी सीधी बातें, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अगर ये क्वेश्चन पूछा गया हम इसको बातों में घुमा देंगे, डोंट डू दैट, बिकॉज योर इंटरव्यूअर हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन इंटरव्यूइंग पीपल एंड दे नो हाउ टू जज पीपल एंड व्हेन टू जज पीपल, राइट। अगर आप उनको बातों में घुमाने की कोशिश करोगे ना, उन्हें समझ में आ जाएगा, अगर आप झूठ बोलोगे उन्हें समझ में आ जाएगा, इससे बेटर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो आई एम सॉरी आई डोंट नो। अगर आप बोलते हैं आई एम सॉरी आई डोंट नो, तो वहां पे दो फायदा होता है, एक आप झूठे नहीं दिखते हो, एंड नंबर टू इट शोज दैट यू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू से सॉरी आई डोंट नो, विच इज फाइन बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन नो एवरीथिंग, राइट। तो इंटरव्यू में मेक श्योर कि आपको क्वेश्चन को कैसे टैकल करो उसको बहुत स्ट्रेटेजिकली करना है। लास्ट, प्लीज 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 मेक श्योर कि आप पूरे इंटरव्यू के दौरान बी वेरी वेरी काम, बी वेरी वेरी पेशेंट एंड हैव अ वेरी स्माइलिंग फेस। सामने वाले बंदे को भी मजबूरी है आपसे बात करना, अंडरस्टैंड दिस, उन्हें मजा नहीं आ रहा, वो भी बैठ के सुबह से इतने लोगों से बात कर रहे हैं, अब वहां पे अगर आप वहां पे उनको थोड़ा इंपेशेंस दिखाओगे या थोड़ा अनॉयंस दिखाओगे, दे आर नॉट हियर फॉर दैट, राइट। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर इंटरव्यूअर्स लाइक यू एज अ पर्सन, जिसके लिए बी वेरी काम, बी वेरी स्माइली, बी वेरी यू नो हैप्पी विद देम, ये नहीं कि हा ये करके मजाक करने लग जाओ, बट लिटिल स्माइल हियर एंड देयर ऑलवेज टेक्स यू अ लॉन्ग वे, द लॉन्ग वे, ठीक है। तो आई थिंक दीज थिंग्स को इफ यू कीप इन माइंड यू विल बी एबल टू फेयर वेल इन योर ऑनलाइन पर्सनल इंटरेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मेक श्योर कि आपका एसओपी एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रेडी है, अपलोड कर दो जो भी आपको आपके कॉल लेटर में दिया गया, आपके कॉल लेटर में बताया गया होगा कब तक अपलोड करना है, तो वहां पे अपलोड कर देना। मेक श्योर कि आपका डिवाइस आप पहले से चेक करके रखो, पहले से कनेक्टेड हो इंटरनेट से, लास्ट मोमेंट के लिए चीजों को मत रखना, एंड इंटरव्यू देते वक्त जो चीज हम बोले उन चीजों का ख्याल रखना, आई एम श्योर यू विल फेयर वेरी 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 वेल, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट किड्स, हैव अ ब्लास्ट, जितने लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हो मस्त फाड़ के आओ, मिलते हैं बहुत ही जल्दी आपसे जब आप सिंबायोसिस लॉ स्कूल में एडमिशन ले लोगे। थैंक यू सो मच, और भी हेल्प लगे तो आराम से कॉल करना, धन्यवाद।